प्रिय सांसद जिनको बोलांदा बद्री के नाम से जाना जाता है, आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो देश की आजादी के 75 वर्ष हुए उसके उपलक्ष में संपूर्ण देश के अंदर पूरे वर्ष भर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया और उसी के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं तो हमारे सरकार के द्वारा इस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से माननीय सांसद जी के माध्यम से आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से माननीय सांसद महोदया जी खेल कुंभ मेले का भी आयोजन करवाने जा रहे हैं। हर गरीब वंचित तक हमारी वो जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे इसका प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर जब हमारे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया तो हमको कुछ चीजें ध्यान में आती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां हैं, पहाड़ी राज्य है और पहाड़ की अपनी पहाड़ जैसी विकट समस्याएं हैं। उन समस्याओं से लड़ते हुए, उन समस्याओं से जूझते हुए हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं गाँव तक पहुँचे, हर गरीब तक पहुँचे और उसी के बढ़ाते हुए इसको उप जिला चिकित्सालय के स्तर का किया जाएगा और उसका शासनादेश जल्दी जारी होने वाला है। और इसी के अनुसार मोरी का जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उचित किया जाएगा। मैं माननीय सांसद महोदय जी के सामने अपने क्षेत्र की ओर से भी, यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में हमारी प्रदेश के अंदर सरकार है और निश्चित रूप से हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर विकास की अनेक जो ओटी की सुविधा प्रदान करने की आप कृपा कराएंगी सरकार के माध्यम से, किस प्रकार से वो जल्दी धरातल पर उतर सके, जल्दी यहाँ पर ओटी की स्थापना हो जाए। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय सांसद महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि आपने यहाँ पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया और निरंतर आप सबके सुख के लिए, यहाँ के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं और आप जो यहाँ के इम्पोर्टेंट विषय होते हैं आप उन सारे विषयों को संसद में उठाती हैं, लगातार निरंतर उनके लिए वार्ता करती हैं। प्रदेश की सरकार से आप निरंतर संपर्क में रहते हुए यहाँ के अनेक अनेक सड़कों का विषय हो, यहाँ के स्कूलों, धन्यवाद अध्यक्ष जी। और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता नेगी जी माननीय सांसद जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने आ रही हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आए और आप माननीय सांसद जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता और हम लोग